नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ दोबारा से एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से होंगे। हालांकि मुझे पता है कि बिना इनकम के, खासतौर पे वो शिक्षक वर्ग जो बेरोजगार है, कैसे अपनी आजीविका कमा रहा होगा। लेकिन फिर भी हमें इस लड़ाई से लड़ना है, आगे निकलना है। और हालांकि नेताओं पे ये पाबंदी लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने आप को तो बचा के चलना है, क्योंकि उनको तो हॉस्पिटल में जगह भी मिल जाएगी, हम लोगों को नहीं मिलेगी। तो हमें अपने परिवार के साथ रहना, अच्छे से रहना है। तो इसी बीच, इससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप DSSSB के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट, जैसे DSSSB का मॉक टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, इवन स्पेशल के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, NTT, लाइब्रेरियन, म्यूजिक और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के अराउंड में आपको ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी, अगर आप वीडियो देख के आते हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग घर पे रहें, घर पे पढ़ें, हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। तो साथियों, अभी एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के माइंड में है, सभी के माइंड में है कि क्या ये DSSSB के जो एग्ज़ाम्स हैं ये होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 26 तारीख तक दिल्ली में कर्फ्यू है और वहाँ पे मतलब बिना बात कोई आ जा नहीं सकता। ऐसे में क्या ये एग्ज़ाम होंगे? तो साथियों, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि एग्ज़ाम आपके होंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे जरूर ये क्वेश्चन करेंगे कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए। देखो, मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं दूंगा। हालांकि चीज़ें तो देखो ये है कि डर जरूर है हम लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर आने जाने की बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत लोग कहाँ कहाँ से हैं, कैसे कैसे वो एग्ज़ाम देने आएंगे, ये मुझे पता है बहुत कठिनाई है। लेकिन फिर भी जो ये गवर्नमेंट है, इनको सोचना चाहिए। लेकिन अब नहीं सोच रहे तो फाइनल यही है कि आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे DSSSB की तरफ से भी एक नोटिस आया था। DSSSB हैज शेड्यूल्ड, और क्योंकि आपको पता है कि 26 तक जो एक कर्फ्यू है, उसके बाद तो देखो आपको पता है कि PM नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बोला है कि भाई आप लॉकडाउन नहीं लगेगा, अगर 1% लगा भी तो 2-4-5 दिन का लग सकता है। उसका देखो कोई पॉलिटिकल रीज़न अपना हो सकता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा उस बारे में, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी को यहाँ पे संबोधित नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो DSSSB हैज शेड्यूल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ फॉलोइंग पोस्ट कोड्स ऑन मतलब 20/4/2021, इसके बाद 22 और 23, मतलब 20, 22 और 23 को जो एग्ज़ाम है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने हैं वो आपको पता है, फायर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर और एक वेटरनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट भी इसके दे रखे हैं और एग्ज़ाम डेट भी दे रखे हैं कि किस किस एग्ज़ाम मतलब डे को ये एग्ज़ाम होंगे। तो साथियों, ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपके ये होंगे, और इसमें इन्होंने सीधा बोल रखा है कि भाई आप लोगों को ID कार्ड लेके आना है और जो ये कोविड के जितने भी रूल्स वगैरह है, गाइडलाइंस है, ये आपको फॉलो करने हैं। और इसके बाद तो आप अगर जैसे बसेस वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना ID कार्ड दिखा सकते हैं और एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं, वैलिड ID और एडमिट कार्ड, इसके बाद आप जा सकते हैं। और इवन जो स्टाफ है जो एग्ज़ाम लेगा तो उनको अपना जो ID कार्ड है वो लेके जाना होगा, और इसके बाद आप लोग जा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अब जो ये कर्फ्यू है, ये कर्फ्यू मतलब 26 तक है, तो 26 के बीच में जो एग्ज़ाम है उनके लिए ये नोटिस है कि भाई 26 तक जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हम लेंगे, कर्फ्यू में भी एग्ज़ाम लेंगे। तो आप ये मत सोचो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है कैंसिल हो जाएंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं ना, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप लोग। आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग घर पे हैं, कुछ भी हैं, आप मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम से उभरने में, इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, ये लगाइए कि आने वाले कई साल बहुत मुश्किलों भरे होंगे, भर्तियां नहीं होंगी जल्दी से। तो आप लोग जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं, मेहनत में लग जाइए, अदरवाइज फ्यूचर आने वाले जो कई साल है ना, बहुत बुरे हो सकते हैं। तो मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, हालांकि देखो गवर्नमेंट अपने लेवल से कुछ ना कुछ जरूर करेगी और करना चाहिए, लेकिन फिर भी
आप मेहनत करिए और ये मत सोचिए कि एग्जाम कैंसिल होगा, क्योंकि अगर कर्फ्यू में एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, स्पेशल नोटिस दे दिया, तो आप समझ जाइए यार अब एग्जाम होंगे। और उम्मीद ये कि जल्द से जल्द वैक्सीन वगैरह लग के चीज़ें सारी नॉर्मल हो जाएं। और प्रिपरेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं, देखो आप लोग घर पे हैं और ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे प्रिपरेशन करें। और आपको पता है कि हम लोग आपसे कोचिंग की तरह लाखों रुपए नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ 300 रुपीज़ मंथली फीस, लगभग इतनी फीस है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। इतनी फीस में हम आपको नोट्स भी देंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी देंगे, ऑनलाइन आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगे, सारी चीज़ें, एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। क्योंकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि 300 रुपये में ऐसे कैसे दे रहे, क्योंकि हमारे पास आप जैसे बहुत सारा बड़ा, बहुत बड़ा परिवार है, तो हमें इनकम इतनी नहीं चाहिए। हम ये नहीं देने को, आप लोग 1000 रुपये महीने के भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग आपको लूटना लूटने नहीं आए, हम लोग आपकी तैयारी कराएंगे। तो दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए और एग्ज़ाम आपके होंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं आपको, थैंक यू, जय हिंद।